अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईटेल मोबाइल की वारंटी किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी लाजमी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वारंटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको IMEI नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप IMEI नंबर तीन तरीक़ों से निकाल सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपली मोबाइल के डब्बे से नोट कर लीजिए। तो तरीका नंबर दो ये है कि आप अपने मोबाइल के डायल पैड में जाएंगे पहले, और यहाँ पर आपको आकर लिखना है *#06#। तो आपके सामने ये IMEI नंबर शो हो जाएगा, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर तीन। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, तो बिल्कुल लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आएगा अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में होगा IMEI एंड IP स्टेटस, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो IMEI नंबर आ जाएंगे, आप कोई भी एक कॉपी कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं वारंटी कैसे चेक करनी है इस IMEI नंबर से। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाना है और ओके, यहाँ पर आकर आपको लिखना है आईटेल मोबाइल। तो आपके सामने ये वेबसाइट सामने आएगी www.itelmobile.com। तो आपने सिंपली इसे ओपन करना है। ये एक थोड़ी पुरानी किस्म की वेबसाइट है, आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीव्यू आएगा, तो आपने इसमें सिंपल ग्लोबल पर क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है, थोड़ा टाइम लेती है लोड होने में। तो आपके सामने ये बिल्कुल आईटेल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर ये मैंने मार्क किया है। मार्क करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आपको स्पोर्ट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इसमें से आपको सिंपली ये तीर के निशान पर क्लिक करना है। मैं मार्क कर देता हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो इसके अंदर से आपको इंक्वायरी सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके सामने ये पेज ओपन होगा, तो आपने यहाँ से वारंटी स्टेट चेक्स पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हमें वही IMEI नंबर देना है जो हमने कॉपी किया था, और सिंपली चेक पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपके मोबाइल की वारंटी शो हो जाएगी, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंडर वारंटी में है मोबाइल या एक्सपायर होगा, ये सब कुछ बता देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। अल्लाह।